वेलकम दोस्तों, लोन पाओ यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप लोग प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बाद प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम यानी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के थ्रू जुड़कर अपने बिजनेस के लिए 25 लाख से ज्यादा का लोन ले सकते हो, बिजनेस लोन ले सकते हो, इस लोन को चुका सकते हो आराम से बहुत ज्यादा समय लेकर। और इसमें मिलेगी आपको एक अफोर्डेबल, मतलब आपको आपके हिसाब से जो आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट मिले, ब्याज दर पे आपको ये लोन मिले। तो ये सारी चीजें तो यार कोई भी बता देता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो लोन मिल रहा है, मान लो आपके आपको 25 लाख से 50 लाख के बीच में लोन मिल जाता है। एक सेक्टर है, इंडस्ट्री सेक्टर, उसके बारे में बताऊंगा ताकि सबको क्लियर ना लगे कि यार मेरे इस वाले बिजनेस के लिए भी इतना लोन मिलेगा, तो ये चीज मैं क्लियर कर दूंगा अभी। लेकिन मान लो कि 25 लाख से 50 लाख के बीच में आपको लोन मिल जाता है, तो वो लोग जो लोन मिल रहा है ना, वो लोन पे भी आपको 35% तक की लोन तो माफी हो जाएगा। मान लो कि 100 रुपए में से आपको 100 रुपए का लोन दिया जा रहा है, इसमें 35 रुपए आपके माफ कर दिए जाएंगे, बाकी के बचे जो 65 रुपए आपको उसका लोन, वो लोन वापस करना होगा जो उस पर ब्याज लगेगा, वो ब्याज जो है उस पर लगकर जो है वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि आपका जो मेन लोन होगा उस पर आपका 35% तो लोन माफी हो जाएगा, बाकी के बचे हुए लोन को और जो ब्याज दर है वो आपको जो है देना पड़ेगा, वो भी आपको एक बहुत लंबा समय मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आज की वीडियो में हम इसी पीएमईजीपी लोन के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि कैनरा बैंक में क्यों है। देखो, मैं सभी बैंक्स के ऊपर जो है एक डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ, जहां पे आप सिर्फ कैनरा बैंक ही नहीं, यूको बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी और भी बहुत सारे बैंक के जो अभी नाम छूट रहे हैं, SBI जो सबसे पॉपुलर भी है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इन सभी बैंक्स के पर्टिकुलर मैंने बता रखा है कि अगर आपका इन बैंक में खाता है तो आप लोग भी पीएमईजीपी लोन को ऑनलाइन ले सकते हो। तो सवाल फिर वापस यही आ जाता है कि आखिर किस तरीके से इस लोन को लिया जाए। और अब तो मैंने आपको पूरा रीजन बता दिया कि आपको इस वीडियो को क्यों देखना चाहिए। देखो, साफ साफ इस लोन को देने का मकसद ये है सरकार का भी कि ये जो लोन आपको मिलेगा, ये लोन मिलेगा आपको लोगों को नौकरी देने के लिए, रोजगार देने के लिए, जो हमारे यूथ आज की डेट में सब कुछ पढ़ाई करने के बाद भी जो है बैठे पड़े हैं, या फिर लोग जो है अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में आके जो है वहां पे जॉब करना चाहते हैं या जॉब करते भी हैं, बट सही मायने में इंडिया में अगर इम्प्लॉयमेंट की जो है अगर रेस या फिर इसकी कहे तो स्तर ज्यादा होगा, लेवल ज्यादा होगा, तो और सैलरी बेसिस पे अच्छा मिलेगा तो लोग फिर इंडिया में ही आके काम करेंगे। तो ये सब चीजों के लिए जो है ये लोन दिया जा रहा है। सवाल ये आता है लोन को अप्लाई कैसे करेंगे, बातें बहुत कर ली तो अब चलो लोन के अप्लाई करने का प्रोसेस बता दूं। लेकिन इससे पहले, वीडियो पसंद आती है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एंड साथ ही में वीडियो को अभी तक आप लोग लाइक नहीं मारो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स में आप लोग जो है लिख के बताओ कि आप लोगों को पीएमईजीपी लोन चाहिए, तो यस लिख के बताओ, और किस जगह से वीडियो देख रहे हो वो भी बताओ। वीडियो के अंदर पहले बता दूं कि ये सारी चीज जो है स्टेप बाय स्टेप होगी, तो आपको आशा करूंगा कि ये वीडियो समझ में आए, पसंद आए और सब कुछ आप जो है बराबर स्टेप बाय स्टेप फॉलो भी करें। तो ये वीडियो है, वीडियो के जस्ट नीचे जो है ये टाइटल होता है, टाइटल पे आप लोगों ने सिंपली क्लिक करना है तो आपका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वो खुल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिलती है ये वेबसाइट लिंक, जिसपे सिंपली आपको कर देना होगा यहाँ पे क्लिक। तो जैसे ही आप लोग वेबसाइट लिंक पे क्लिक करेंगे सीधा पहुंच जाते हैं loanpower.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पहुंचने के बाद सबसे पहले बता दूं कि ये बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कंटेंट रिलेटेड जितने भी आपको जो है इन्फॉर्मेशन होती है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। अब यहाँ पे हमें कैनरा बैंक से पीएमईजीपी लोन कैसे लेना है इसको हमें जानना होगा। और यहाँ पे पहले बता दूं कि जो लोग मोबाइल फोन पे देख रहे हैं उनको शायद ये कैटेगरी ऊपर नहीं देखने को मिल रही होगी, तो पहले तो आपको इस कैटेगरी पे एमएसएमई लोन पे क्लिक करना होगा। और जो लोगों को कैटेगरी शो नहीं हो रही है मोबाइल फोन में जो देख रहे हैं, उनको सबसे पहले यहाँ पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में मेन्यू बार का ऑप्शन मिलेगा, उसके अंदर आपको जो है एमएसएमई लोन का कैटेगरी मिल जाएगा, तो उस पर क्लिक कर लेना है। देन इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी काफी सारी जानकारी, काफी सारे अलग अलग बैंक के कॉन्टेंट की जो बैंक आपको जो है लोन दे रहे हैं, यानी इन सेंस एमएसएमई लोन दे रहे हैं। देखो, मुद्रा योजना, पीएम स्वनिधि, एमएफएमई, स्टैंड अप इंडिया, आपका ये पीएमईजीपी लोन, ये कहीं ना कहीं एमएसएमई का ही एक हिस्सा है। अगर कुछ नाम फालतू ऐड कर दिया तो उसके लिए माफी चाहता हूं, मतलब ये मोटा मोटी तौर पे मैंने आपको चीज दिखाने की कोशिश करी है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको करना ये होगा कि अगर आपको यहाँ मिल जाती है लिस्ट तो अच्छी बात है, बट अगर नहीं मिलता तो डायरेक्टली आपको सर्च पे जाना है। यहाँ पे हमें जिस बैंक से जो लोन लेना है, हमें मान लो हमें कैनरा बैंक से पीएमईजीपी लोन लेना है, तो हम यहाँ डालेंगे कैनरा पीएमईजीपी, इतना कीवर्ड डाल के जस्ट करेंगे सर्च और हमारे सामने आ जाएगा रिजल्ट कि कैनरा बैंक से पीएमईजीपी लोन को अप्लाई कैसे करें। आर्टिकल पे क्लिक करना है, आपके सामने आर्टिकल पूरा डिटेल में डिस्क्राइब हो जाएगा, यानी एक्सपांड हो जाएगा, जहां पे आपको जानकारी मिलेगी कैनरा बैंक पीएमईजीपी लोन है क्या। तो इसके में बताने ऐसा कुछ है नहीं, मैंने आपको काफी बता रखा है लेकिन आगे भी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे जो लोन मिल रहा है वो आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर एंड ट्रेडिंग, तीन चीजों के लिए मिलता है, लेकिन बेसिकली ज्यादा देखा था मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस के लिए ज्यादा मिलता है। जो लोन है ये आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट के हिसाब से आपको मिलेगा कि आप कितने रुपए तक का प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर रहे हो, जो कि एक्चुअली में काफी अच्छा हो। कुछ कुछ नियम भी है इसके अंदर कि किसी भी परिवार से कोई एक ही व्यक्ति अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पे नए प्रोजेक्ट से, नए जो जितने भी प्रोजेक्ट या नए जितने भी आपको तैयार करके लेके जाते हो अपने परियोजना, प्रोजेक्ट उसी को कहते हैं मेरे हिसाब से, तो उसी के नए प्रोजेक्ट पे ही जो है आपको लोन देने की ज्यादा से ज्यादा संभावना रहती है। इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज,
कि आपने 8 DP ट्रेनिंग कंप्लीट की होनी चाहिए, जिसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये 2 हफ्ते से ज्यादा का कोर्स होता है, इसके बारे में आगे हम बताएंगे। ये एक्चुअली में एक ट्रेनिंग होती है जिसमें आपको सिखाया जाता है इस चीजें, और अगर आप ये करते तो आपको एक्सपीरियंस भी समझा जाता है। तो ये सारी चीजें आपको मैंने बता रखी है, तो इस आर्टिकल में भी वही बात है। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, सबके बारे में भी जानकारी आर्टिकल में, तो जरूर से पढ़ना, समय निकाल के आप लोग पढ़ सकते हो। बाकी बात आती है लोन अप्लाई करने की, यानी कि हमें जाना है PMHB लोन को लेने के लिए, तो उसके लिए विजिट की लिंक आपको मिल जाएगी इसके अंदर ही। विजिट की लिंक पे क्लिक करना है जो सीधा लेके जाएगा आपको canaraMSME.in के ऑफिशियल वेब पेज पे। यहाँ आ जाने के बाद आपके सामने काफी सारे सेक्शन है, बट मैं आपको ज्यादा घुमाऊंगा नहीं, आप सीधा चलेंगे यहाँ पे PMHB लोन के लिए। अप्लाई ऑनलाइन के सेक्शन में आपको से मुद्रा लोन मिल रहा है तो इसे छोड़ दो। यहाँ पे गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम के नीचे आपको जाना, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा PMHB लोन, जिसके बारे में मैंने यहाँ पे अंडरलाइन भी कर दिया है। इस पर आपको सीधा क्लिक कर लेना है। तो आप सोचोगे यार सीधा PMHB भी ले जाएगा, नहीं, ये एक्चुअली में PDF है यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो ये PDF है। अब आप फिर से बोर हो जाओगे, लेकिन नहीं, मैं अब यहाँ पे बस मोटा मोटी तौर पे चीजें बताऊंगा, एंड बस इसके बाद लोन अप्लाई करने के प्रोसेस को समझेंगे। तो यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि 18 साल से आपकी ऊपर एज होनी चाहिए, जो यहाँ पे बताई गई है इनकम सीलिंग के बारे में, ये चीज ध्यान से पढ़ना। देयर विल बी नो इनकम सीलिंग फॉर असिस्टेंट फॉर सेटिंग अ प्रोजेक्ट का अंडर PMHB। बाकी यहाँ पे चीजें बता रखी है कि सेटिंग अ प्रोजेक्ट कॉस्ट अबव 10 लाख, किस किस किसके सेक्टर में क्या होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में क्या होना चाहिए, सर्विस के अंदर में क्या होना चाहिए, ये सब के ऊपर बात बता दी गई है। बाकी इसके अलावा देखा जाए तो और भी बहुत सी चीजें जो कि आप पढ़ सकते हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको अच्छे से चीजें समझ में आनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी ट्रांसलेट किया पढ़ सकते हो, ठीक है। हालांकि इसके बारे में मैंने मोटा मोटी तो अभी चीजें बता दी हैं। बात करते हैं प्रोजेक्ट ऑफ कॉस्ट की, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट टू बी सेटअप अंडर द स्कीम शुड नॉट बी एक्सीड 50 लाख इन रिस्पेक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी एंड 20 लाख इन द रिस्पेक्ट ऑफ सर्विस बिजनेस एक्टिविटी। यहाँ पे कहा गया है, इसके बारे में आपको पूरी बताया जाएगी, प्रोजेक्ट कॉस्ट के बारे में, आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है कितने से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, शुड नॉट एक्सीड, तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जिस भी इंडस्ट्री के अंदर हो, मानो कि आप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हो, तो कितने रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए वो आपको देखना होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, और सर्विस के अंदर कितना होना चाहिए वो भी आप एक बार देख लेना, ठीक है। बाकी यहाँ पे बात करते हैं एडिशनल कॉम्पोनेंट वगैरह की, तो इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई है, तो पढ़ लेना यहाँ पे, ठीक है। बाकी मार्जिन्स भी है यहाँ पे, एक बार समझना, एरिया ऑफ लोकेशन के हिसाब से जो है मार्जिन्स की सेक्शन है। अब मार्जिन के अंदर ही रेट ऑफ सब्सिडी की भी बात कर ली गई है, जो 35% तक की जो सब्सिडी मिलेगी ना, वो मिलेगी ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी में आने वाले लोगों को, और वो भी जो रूरल एरिया से आते हैं, जैसे कि SC ST OBC माइनॉरिटीज, वुमेन, एक्स सर्विसमैन, ट्रांसजेंडर, डिफरेंटली एबल्ड, NER, एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट हिल, ये सारे लोग इसके अंदर आते हैं। यानी मोटा मोटी तौर पे देखें तो जनरल वालों को छोड़ के तो सभी लोग ही हैं, और जनरल वालों को ही यहाँ पे सब्सिडी थोड़ी कम मिल रही है, और लोकेशन वाइज देखा जाए तो 10% ही सब्सिडी कम है, 25% तक की है। रूरल एरियाज में भी 25% तक की सब्सिडी जनरल कैटेगरी को मिल जा रही है, बाकी अर्बन में 15% तक का ही है, वहीं पे अर्बन में स्पेशल कैटेगरी वालों को 25% तक की छूट है। तो ये चीज मैंने आपको बता रखी है जिससे, ताकि क्लियर रहे, आप बाद में ये ना बोलो कि यार 35 तो सबके लिए बोला था, 35 सबके लिए नहीं बोला है। बाकी अदर कंडीशन भी है जो चीजें आप एक बार जरूर से पढ़ लेना, ठीक है। रीपेमेंट जो है 3 से 7 साल के बीच में लोन को चुका सकते हो, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ये बैंकिंग पॉलिसीज पर डिपेंड करता है, और आपको जब लोन डिसबर्स किया जाएगा तो मार्केट प्राइस, RBI की जो पॉलिसीज, इन सब ये सब चीजें इसके ऊपर डिपेंड करती है। बाकी सर्विस फीस जो है यहाँ पे बताया गया एज पर एक्शन गाइडलाइन ऑफ बैंक, CGTMSE कवरेज जो है, एलिजिबिलिटी भी कवर्ड है, और यही सारी चीजें हैं। अब बारी आती है अप्लाई कैसे करेंगे इसको। इसको अप्लाई करने के 2 तरीके हैं, एक ही तरीका है बेसिकली मेरे हिसाब से, या तो जनसमर्थ से भी जाओगे तो PMEGP भी ले जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपको ये लोन चाहिए तो इसके लिए मात्र आपको करना ये होगा कि आपको डायरेक्टली चले जाना है, या तो खुद से सर्च कर लो, या डायरेक्टली आप लोग जो है डाल सकते हो। डालना क्या है आपको, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, ठीक है। इतना काम करना है, kvicionline.gov.in, इतना आपको एक वेब पेज पे जाना है जो सीधा यहाँ ले आएगा। यहाँ आने के बाद आपको PMEGP पे क्लिक कर देना, देन सीधा एप्लीकेशन फॉर यूनिटी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस फॉर्म को कंप्लीटली भर देना, तो तकरीबन 23 सेक्शन का कंप्लीट फॉर्म होगा, इसको आप अच्छे से भर सकते हो। इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आधार कार्ड वगैरह अगर है तो नंबर डाल सकते हो, नहीं है तो आधार कार्ड बनने के लिए डाल दो, और जब डालोगे तो आपको EID नंबर मिलेगा, आधार कार्ड के आने से पहले एक 24 डिजिट मिलता है, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो। बाकी है तो उसका नंबर डाल सकते हो, आपको अपना नाम, स्पॉन्सरिंग एजेंसी सब आपको अच्छे से बताना होगा, डेट ऑफ बर्थ ये सब तो खैर खुद ही भर लोगे, पैन कार्ड नंबर भी हो गया, ठीक है। टाइप ऑफ एक्टिविटी में चूज करना है कि जिस आप इंडस्ट्री के लिए जो है लोन ले रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग ले रहे हो, तो मैन्युफैक्चरिंग पे यहाँ पे इंडस्ट्री टाइप आपको चूज कर लेना होगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो जिस बैंक से हम लोन ले रहे, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट बैंक नेम पे जाना है, और यहाँ पे आपको टाइप करना है कैनरा बैंक, ठीक है। कैनरा बैंक में भी जिस बैंक कोड, उस बैंक का कोड भी डालना होगा यहाँ पे, और ब्रांच नेम, एड्रेस सब कुछ डाल सकते हो। कैनरा बैंक के अलावा किसी दूसरे बैंक में खाता है तो ऑल्टरनेट में यूज कर सकते हो, और अगर नहीं है तो छोड़ भी सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको चीजों को अच्छे से फॉर्म भर लेना होगा,
इस फॉर्म को भरने के बाद आपको यहाँ पे दी गई गाइडलाइन जानकारी में पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि जब आप सेव एप्लीकेशन डाटा पे क्लिक करोगे तो इसके बाद जो है आपको डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे, पीएमईजीपी स्कोर कार्ड भी आपको प्रॉपर यहाँ पे भरना पड़ेगा। देन इसके बाद आपको आईडी पासवर्ड मिलेगा, जिस आईडी पासवर्ड को जो है आपको अपने मोबाइल नंबर पर रिसीव होगा, तो उसको संभाल के रखना और इस पूरे फॉर्म को भरने पर प्रिंट करवा के प्रिंट भी कर सकते हो फिजिकल फॉर्मेट में। और बाकी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपने तैयार किया अपने बिजनेस के लिए वो सबको आपको इकट्ठा करना है और विजिट कर लेना है कैनरा बैंक के ब्रांच पे, बाकी वो आगे का आपको फर्दर प्रोसेस समझा देंगे। तो ये तो मेरे अनुमान के हिसाब से जो चीजें थी मैंने आपको समझा दी, बाकी आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट्स में लिख के जरूर बताएं। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में।